नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे थे सीटेट एग्जाम के लिए, जिसमें हमने कल पढ़ा था वूल के बारे में। गुड क्वालिटी का वूल किससे प्राप्त होता है, सिल्क के बारे में पढ़ा था, थर्मामीटर के बारे में जाना था, और हमने पढ़ा था सी ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज क्या होता है। हमने दोस्तों इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था, रस्टिंग के बारे में पढ़ा था, फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं उसके बारे में जाना था, थंडर स्टॉर्म के बारे में पढ़ा था, क्लाइमेट के बारे में जाना था, माइग्रेटरी बर्ड के बारे में जाना था हमने, ये क्या होती हैं, और एडॉप्टेशन होता है कुछ एनिमल में ट्री पे रहने के लिए, तो वो कौन कौन से एनिमल है उनके बारे में पढ़ा था हमने, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे किस पे, आज हम चर्चा करेंगे कि सॉयल, सॉयल क्या होता है, सॉयल प्रोफाइल क्या होती है, वेदरिंग क्या होता है। तो दोस्तों सॉयल क्या होता है, सॉयल मिक्सचर होता है किसका, रॉक पार्टिकल और ह्यूमस का मिक्सचर क्या कहलाता है, सॉयल कहलाता है। वेदरिंग क्या है दोस्तों, वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय, अपक्षय। सॉयल किससे बनती है, सॉयल बनती है ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक से बाई द एक्शन ऑफ किसके, विंड से, वाटर से और क्लाइमेट प्रोसेस के द्वारा, सॉयल का बनना ही कहलाता है वेदरिंग। दोस्तों ये सेक्शन सॉयल प्रोफाइल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन ए या टॉप मोस्ट सॉयल, टॉप मोस्ट सॉयल क्या होता है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं सॉयल प्रोफाइल क्या होती है, एक वर्टिकल सेक्शन जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम डिफरेंट लेयर ऑफ सॉयल को देख सकते हैं वो कहलाती है सॉयल प्रोफाइल, और ईच लेयर जो होती है वो डिफरेंट होती है दूसरे से, टेक्सचर में, कलर में, डेप्थ में, और इसका केमिकल कंपोजिशन अलग होता है। हर एक लेयर को क्या कहते हैं, हर एक लेयर को हॉरिजॉन कहते हैं। तो दोस्तों जो हॉरिजॉन ए होता है या टॉप मोस्ट सॉयल इसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये अपर मोस्ट हॉरिजॉन होता है, हॉरिजॉन होता है, इसमें क्या होता है, ये डार्क इन कलर होता है, डार्क इन कलर होता है, और इसमें रिच रिच ह्यूमस होता है, रिच ह्यूमस होता है, इसमें मिनरल्स भी पाया जाता है, और जो ये ह्यूमस होता है, जो रिच ह्यूमस होता है, ये बनाता है सॉयल को क्या, ये सॉयल को बनाता है फर्टाइल। फर्टाइल इस लेयर की सॉयल कैसी होती है, इस लेयर की सॉयल जो है सॉफ्ट होती है दोस्तों, पोरस होती है और रिटेन करती है अपने अंदर वाटर को, इसलिए इस लेयर की सॉयल जो है फर्टाइल होती है, और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है। हॉरिजॉन बी में दोस्तों देख रहे होंगे, ये हॉरिजॉन बी है, इसमें क्या पाया जा रहा है, हॉरिजॉन बी में ह्यूमस जो होता है वो कम होता है, इसमें लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है, लेकिन इसमें ज्यादा क्या होता है, इसमें मोर मिनरल्स होता है, मिनरल्स होता है। ये लेयर कैसी होती है, जनरली हार्डर होती है, हार्डर होती है और मोर कॉम्पैक्ट होती है, कॉम्पैक्ट होती है। जो हॉरिजॉन सी होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो बना होता है स्मॉल लंप ऑफ रॉक का, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें क्रैक्स क्रैक्स होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख रहे होंगे हॉरिजॉन या टॉप मोस्ट सॉयल, ये सॉयल फर्टाइल होती है, इसलिए इसमें देखिए पेड़ पौधे इसमें लगे हुए हैं। हॉरिजॉन ये वाली लेयर हॉरिजॉन बी कहलाती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है लेकिन इसमें मिनरल ज्यादा पाए जाते हैं, ये कैसी होती है, ये हार्ड होती है। ये वाला हॉरिजॉन सी है दोस्तों, ये किसका बना होता है, देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे रॉक्स हैं और इसमें क्या है, इसमें दरारें भी पड़ी होती हैं। नीचे वाली जो लेयर होती है ये बेड रॉक होती है, ये मैक्सिमम जो है रॉक्स की ही बनी होती है, चट्टानों की। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सॉयल पढ़ लिया, अब हम सॉयल के टाइप देखेंगे दोस्तों। सॉयल के टाइप ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है।
सॉइल टाइप में। तो इसको हम क्लासिफाई किस बेसिस पे, हम इसको टाइप में बांटते हैं सॉइल को पार्टिकल की साइज के आधार पे। दोस्तों इसमें पहला है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल नाम से लग रहा है, सैंडी सॉइल का मतलब होता है बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो इस मिट्टी में क्या होता है, इस मिट्टी में जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और ग्रेटर नंबर में होते हैं, ग्रेटर प्रोपोर्शन होता है बिग पार्टिकल का, इसलिए उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। इसमें जो परकोरेशन रेट होता है वाटर का वो बहुत हाईएस्ट होता है। इसके बाद आती है क्ले सॉयल, जिसे हम कहते हैं मृणमय मिट्टी, मृणमय मिट्टी। इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो फाइन होते हैं, फाइन फाइन नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, जो रिलेटिवली हायर होते हैं, मतलब इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इन्हें क्ले सॉयल कहते हैं। इसमें जो परकोलेशन रेट होता है वो बहुत लीस्ट होता है वाटर का। क्ले सॉयल किसके लिए यूज की जाती है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। क्ले सॉयल यूज की जाती है पॉट बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए और स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज की जाती है। लास्ट में सॉयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉयल है दोस्तों, दुमटी मिट्टी किसे कहते हैं या लोमी मिट्टी। इस मिट्टी में जो लार्ज और फाइन पार्टिकल हैं उनकी संख्या सेम होती है, जबकि हमने सैंडी सॉयल में देखा बलुई मिट्टी में जो होता है लार्ज पार्टिकल ज्यादा संख्या में होते हैं, जो क्ले सॉयल में देखा इसमें फाइन पार्टिकल ज्यादा नंबर में होते हैं, लेकिन जो लोमी सॉयल होती है इसमें लार्ज और फाइन पार्टिकल क्या होते हैं, ये सेम होते हैं, इसलिए इसको लोमी सॉयल कहते हैं। ये सॉयल बहुत अच्छी होती है प्लांट की ग्रो के लिए। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बेस्ट सॉइल कौन सी होती है फार ग्रोइंग प्लांट के लिए, तो वो लोमी सॉइल या दुमटी मिट्टी होती है। क्यों, ये सॉइल की ग्रोथ के लिए प्लांट की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें ह्यूमस पाया जाता है और इसके पास जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी होती है ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, इसलिए ये सॉइल बहुत बेस्ट होती है प्लांट के ग्रोथ के लिए। इसके बाद एक नोट है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नोट है कि क्ले क्ले और लोमी सॉइल जो होती है वो किसके लिए अच्छी होती है, किस प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए। तो ये वीट हमारा, ग्राम हो गया हमारा, धान हो गया, इन सब के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और कॉटन कहाँ ग्रो करता है बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ सैंडी लोमी सॉइल होती है वहाँ कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अब दोस्तों सॉयल इरोजन क्या है, सॉयल इरोजन का मतलब जो टॉप लेयर है सॉयल की, जो टॉप लेयर है सॉयल की उसका बह जाना, टॉप लेयर ऑफ सॉयल इसका बह जाना ही क्या कहलाता है सॉयल इरोजन। तब इसको पढ़ते हैं, मतलब रिमूवल हो जाए लैंड सरफेस का, किसके, वाटर के द्वारा और विंड के द्वारा। चूंकि हम सभी जानते हैं जो प्लांट की रूट होती हैं वो सॉइल को अपने से बाइंड रखती हैं, जहां प्लांट नहीं होते हैं वहां की सॉइल बहुत लूज होती है दोस्तों, लूज होती है, जिसकी वजह से उससे उस एरिया में जो है सॉइल का इरोजन बहुत तेजी से होता है, जहाँ पे जो है बहुत लिटिल या कोई वेजिटेशन नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए सॉइल इरोजन कहाँ ज्यादा होता है, डिजर्ट एरिया में या बेयर लैंड, जहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं, कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं, क्योंकि जो प्लांट की रूट होती है वो सॉइल को अपने से बांध के रखती है। तो दोस्तों सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे, सॉइल इरोजन प्रिवेंट कैसे करोगे, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, रोकेंगे किसको, रोकेंगे पेड़ों की कटाई को रोकना है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, और नए पेड़ लगाना है इससे सॉइल इरोजन रोका जा सकेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सॉइल के बारे में पढ़ा, सॉइल प्रोफाइल के बारे में देखा, और हमने पढ़ा सॉइल के कितने टाइप होते हैं।
तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पायरेशन का मतलब प्रोसेस होती है जिसमें ब्रेक डाउन होता है फूड का किसमें सेल के अंदर, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। ये किसमें होता है सेलुलर रेस्पायरेशन? सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सेलुलर रेस्पायरेशन पाया जाता है। अब दोस्तों एरोबिक रेस्पायरेशन या वायवीय श्वसन क्या होता है? एरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना किसका? ग्लूकोज का विद यूज ऑफ ऑक्सीजन, ये कहलाता है क्या एरोबिक रेस्पायरेशन? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कहलाता है एरोबिक रेस्पायरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा रिलीज होती है। एनएरोबिक रेस्पायरेशन का मतलब दोस्तों होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन मतलब ब्रेक डाउन करना किसका? ग्लूकोज का विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, ये कहलाता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। दोस्तों ये ग्लूकोज है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये किस में टूटता है? ये टूटता है एल्कोहल में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी ये रिलीज होती है। दोस्तों जो ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? ग्लूकोज मसल में पाया जाता है। अवायवीय श्वसन के दौरान क्या होता है? इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये किस में? ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में प्लस ऊर्जा जो है ये रिलीज होती है। तो दोस्तों ये दोनों ध्यान रखिएगा, एनएरोबिक रेस्पायरेशन के दौरान क्या होता है? अगर एनएरोबिक रेस्पायरेशन मसल में होता है तो ये ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में चेंज होती है। अगर एनएरोबिक रेस्पायरेशन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो जनरली एल्कोहल वे चेंज होती है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है। तो दोस्तों हमने सेलुलर रेस्पायरेशन के बारे में जाना, अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग का मतलब क्या है? ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालना विद द हेल्प ऑफ किसके? रेस्पायरेटरी ऑर्गन से। तो जब हम लेते हैं ऑक्सीजन रिच एयर को इनटू द बॉडी तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन रिच एयर को जब हम बॉडी में अंदर लेते हैं तो उसे कहते हैं इनहेलेशन, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक्सहेलेशन। तो इस तरीके से हमने ब्रीदिंग के बारे में जाना। इसके बाद हम जानेंगे कि जो रेस्पायरेटरी रेट होती है वो कितनी होती है। रेस्पायरेटरी रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ ब्रीद इन ए मिनट बाई ए पर्सन, ये क्या कहलाता है? ये रेस्पायरेटरी रेट कहलाता है। ये कितना होता है रेस्पायरेटरी रेट? यह होता है 15 से 18 ब्रीद पर मिनट। दोस्तों इसको याद रखिएगा, रेस्पायरेटरी रेट कितना होता है? 15 से 18 ब्रीद पर मिनट, ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है कि हम कैसे ब्रीद करते हैं। दोस्तों जब हम एयर को क्या करते हैं? एयर को जब हम इनहेल करते हैं तो ये एयर क्या होती है? ये हमारे किससे? नोस्ट्रिल से होते हुए कहाँ जाती है? हमारे नेजल कैविटी तक। नेजल कैविटी से ये कहाँ जाती है? नेजल कैविटी से होते हुए ये जाती है हमारे लंग में। नेजल कैविटी से ये कहाँ जाती है? लंग में। किसके थ्रू? विंड पाइप के थ्रू। चूंकि लंग जो होता है वो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? लंग प्रेजेंट होता है चेस्ट कैविटी में। ये सराउंड किससे होता है? ये आप देख रहे होंगे ये लंग है, ये किस में प्रेजेंट है? ये हमारा चेस्ट कैविटी है उसमें प्रेजेंट है। और ये सराउंडेड किससे? ये आप रिब देख रहे हैं, ये सराउंडेड होता है रिब्स के द्वारा। और जो ये डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम है ये क्या बनाता है? ये फ्लोर बनाती है किसका? चेस्ट कैविटी का डायाफ्राम फ्लोर बनाती है।
दोस्तों जब हम इनहेलेशन करते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन आप देख रहे होंगे ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, ये हमारी रिब जो होती है ये क्या करती है, ये रिब जो होती है ये मूव करती है कहाँ, अपवर्ड, ऊपर अपवर्ड एंड आउटवर्ड ये मूव कर जाती है रिब। जबकि जो हमारा डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम वो मूव कहाँ करता है, डायाफ्राम जो मूव करता है वो मूव करता है डाउन। आप ये देख रहे होंगे रिब पे ये निशान बना हुआ है, ये मूव करती है अप और आउटवर्ड, और डायाफ्राम कहाँ मूव करता है, डाउनवर्ड। जब डायाफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है तो जो स्पेस होता है हमारे चेस्ट कैविटी में, जो ये स्पेस होता है ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर कहाँ आती है, एयर लंग में आती है, और लंग किससे फिल हो जाता है, लंग फिल हो जाता है एयर से। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन। मतलब इनहेलेशन का मतलब होता है एयर को, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना क्या कहलाता है, इनहेलेशन। एक्सहेलेशन किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन। दोस्तों जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारी रिब क्या होती है, वो रिब मूव करती है कहाँ, डाउन डाउन एंड इनवर्ड, और हमारा जो ये डायाफ्राम है वो मूव करता है कहाँ, मूव करता है अपवर्ड अपवर्ड, जिससे जो चेस्ट की कैविटी थी उसका स्पेस घट जाता है, और एयर जो होती है लंग में वो क्या होती है, वो बाहर निकल जाती है। इसे ही कहते हैं एक्सहेलेशन। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक डायग्राम है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज का इनहेल और एक्सहेल किया जाता है। जब हम इनहेल करते हैं तो उस दौरान 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया इनहेलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेना। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन के दौरान हम क्या करते हैं, एक्सहेलेशन के दौरान हम जो है 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड और 16.4% ऑक्सीजन ये बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने रेस्पायरेशन जो होता है वो ह्यूमन में कैसे होता है उसको देख लिया। अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग इन अदर एनिमल में कैसे होता है। दोस्तों जो कॉकरोच होता है इसकी बॉडी पे क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है उसके बॉडी पे, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइरिकल कहते हैं। जो कॉकरोच किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, कॉकरोच इंसेक्ट है एक, तो ये इंसेक्टा ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो इंसेक्ट के पास क्या होता है, इंसेक्ट के पास जो है एक नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्यूल होता है जिसे हम ट्रकिया कहते हैं, इसके द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है ट्रकिया के द्वारा। तो ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है वो स्पाइरिकल के द्वारा कहाँ पे पहुंचती है, ट्रकियल ट्यूब में, उसके बाद वो बॉडी में डिफ्यूज हो जाती है और वहां से वो प्रत्येक सेल को उसके बॉडी के मिल जाती है। क्या आप देख रहे होंगे ट्रेकियल सिस्टम, और ये ट्रेकिया दिखाया गया है, तो ये ट्रेकिया के द्वारा क्या होता है, गैसियस गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है इंसेक्ट्स में। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग फिश में कैसे होता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है सीटेट एग्जाम में कि गिल्स जो होती हैं फिश में वो हेल्प किस में करती हैं, वो हेल्प करती हैं यूज करने में ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है किस में, वाटर में। गिल सप्लाई किससे होती है, गिल सप्लाई होती है ब्लड वेसल से फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये आप देख रहे हैं ये फिश है, ये उसका गिल्स है, ये किस में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है यूज करने में किस में, डिजॉल्व ऑक्सीजन को वाटर में, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ये यूज करती है।
दोस्तों, अब हम अर्थवर्म में देखेंगे इसमें ब्रीदिंग कैसे होती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थवर्म किससे ब्रीथ करते हैं? दोस्तों, ये अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है और स्लाइमी होती है टच करने पे, जिसकी वजह से गैस इसमें इजिली पास हो जाता है। दोस्तों, प्लांट में कैसे होता है रेस्पायरेशन? प्लांट के पास स्टोमेटा होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। प्लांट में जो रूट होती है वो एयर को किससे लेती है? एयर जो सॉयल में प्रेजेंट है तो उसको एब्जॉर्ब करती है प्लांट की रूट। अब हम दोस्तों थोड़ा सा ब्लड के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्योंकि इसके बाद हम ब्लड पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक है। ब्लड ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ये किसका बना होता है? तो जो ब्लड होता है वो बना होता है दोस्तों किसका बना होता है? प्लाज्मा का। प्लाज्मा का जिसमें 55% प्लाज्मा होता है। और क्या होता है इसमें? 45% कणिकाएं होती हैं। कणिकाएं होती हैं या कार्पसल्स होते हैं। दोस्तों, हमने ब्लड को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। यदि आपको ब्लड के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ब्लड किसका बना होता है? ब्लड में 55% क्या होता है? प्लाज्मा। और 45% इसमें क्या होती है? कणिकाएं या कार्बसल। कणिकाओं के रूप में इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और क्या होता है इसमें? प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स होता है। प्लाज्मा में क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा में 90 से 92% इसमें क्या होता है? जल होता है। जल होता है। 6 से 8% इसमें क्या होती है? प्रोटीन होती है। प्रोटीन में दोस्तों फाइब्रिनोजन होती है। फाइब्रिनोजन होती है, ये क्या करती है? ये रक्त का थक्का थक्का बनने में मदद करती है फाइब्रिनोजन। और कौन सी प्रोटीन होती है इसमें? फाइब्रिनोजन के अलावा इसमें एल्बुमिन एल्बुमिन होती है और ग्लोब्यूलिन ग्लोब्यूलिन होती है। जो ये प्लाज्मा होता है दोस्तों, प्लाज्मा होता है, इसमें से अगर फाइब्रिनोजन निकाल लिया जाए, फाइब्रिनोजन निकाल लिया जाए तो ये सीरम बचता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरम किसे कहते हैं दोस्तों? प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकालना सीरम कहलाता है। सीरम का थक्का नहीं बनता है क्योंकि इसमें जो फाइब्रिनोजन है जो थक्का बनाने में मदद करती है वो बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन में कैसे होता है। तो दोस्तों, जो हमारा हार्ट होता है ये कितने ये 4 चैम्बर का बना होता है। इसमें 2 एट्रियम होते हैं एट्रियम होते हैं जिसमें एक राइट एट्रिया और एक लेफ्ट एट्रिया होता है। दूसरा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो दोस्तों, ये आट्रिया और वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं आट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। इसी तरह लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल विद आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। 2 आट्रिया एक दूसरे से सेपरेटेड होता है इंटर आट्रियम सेप्टम के द्वारा, और 2 वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेटेड होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। ये सेप्टा इस वजह से पाए जाते हैं जिससे क्या हो, मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो दोस्तों। क्योंकि जो ये राइट एट्रिया होता है, राइट वेंट्रिकल होता है हार्ट में, इसमें क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। इस साइड इम्प्योर ब्लड होता है, आप देख रहे होंगे इसको नीले से दिखाया गया। और जो ये लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल है, इधर क्या होता है? इधर प्योर ब्लड होता है, मिक्सिंग ना हो इसलिए इसमें क्या पाए जाते हैं? सेप्टा पाए जाते हैं। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल की तरफ क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है जिसमें 3 कस्प होते हैं। और लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ क्या पाया जाता है दोस्तों? इधर इधर बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। दोस्तों, इधर से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, शुद्ध ब्लड एओर्टा के द्वारा बाहर निकलता है, शरीर को जाता है इसके बाद जो है। और जो अशुद्ध ब्लड होता है वो किस में आता है? वो अशुद्ध ब्लड जो है बेना के बाद बेन्यूल के द्वारा आता है। किसमें वो आता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से होते हुए वो राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर राइट वेंट्रिकल के द्वारा जो पल्मोनरी आर्टरी है
पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये इसको कहाँ ले जाती है, लंग में ले जाती है, फिर लंग से क्या होता है, लंग से पल्मोनरी वेन जो होती है, पल्मोनरी वेन, ये शुद्ध ब्लड कहाँ लाती है, वो लाती है लेफ्ट एट्रियम में। आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, ये राइट एट्रिया है, इधर मैंने बताया था दोस्तों, ये मैंने बताया था, ये वाला क्या है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, इधर शुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है, और ये राइट वाला पोर्शन है, इधर क्या होता है, इधर अशुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है। तो ये शुद्ध ब्लड एवोर्टा आर्टरी आर्टेरियोल और कैपिलरी के द्वारा हमारे बॉडी पार्ट में जाता है, उसके बाद वेन वेन्यूल और वेना केवा के द्वारा जो होता है वो अशुद्ध ब्लड कहाँ आता है, वो आता है राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो अशुद्ध ब्लड लेके कहाँ जाती है, लंग को जाती है, और लंग से शुद्ध ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली जितनी भी आर्टरी होती हैं, जितनी भी आर्टरी होती हैं वो कैरी क्या करती हैं, वो कैरी करती हैं शुद्ध ब्लड, शुद्ध ब्लड एक्सेप्ट किसको, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या कैरी करती है, वो अशुद्ध ब्लड कैरी करती है। नॉर्मली दोस्तों जितनी भी वेन होती हैं, वेन होती हैं वो क्या कैरी करते हैं, वो कैरी करते हैं अशुद्ध, अशुद्ध ब्लड एक्सेप्ट किसको छोड़ के, पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन क्या कैरी करता है, पल्मोनरी वेन शुद्ध ब्लड कैरी करता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे ब्लड के बारे में, अभी हमने बताया था ब्लड कंपोज होता है एक फ्लूड का, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। अब इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो दोस्तों आरबीसी क्या कंटेन करता है, रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करता है, ऑक्सीजन से। दोस्तों हीम के सेंटर में एक एलिमेंट होता है जिसे आयरन कहते हैं, तो इसमें हीम के सेंटर में क्या पाया जाता है, आयरन, और ये हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करता है, ऑक्सीजन से, और ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर होता है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी और सेल में ये ट्रांसफर होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन, यही इसी की वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन क्या करती है, यही हमारे ब्लड को लाल रंग प्रदान करती है। दोस्तों ये जो आरबीसी होता है इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, या कह सकते हैं बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। इसका लाइफ स्पॉन कितना होता है, 120 दिन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, आरबीसी में दोस्तों न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन दो एक्सेप्शन है जिसमें न्यूक्लियस आरबीसी में पाया जाता है, किसमें, कैमल, कैमल एंड लामा में, लामा में इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, पाया जाता है। दोस्तों दो ही एक्सेप्शन है, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि आरबीसी में न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, कैमल और लामा दो ही में आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका लाइफ स्पान 120 दिन होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या जो होती है 50 लाख, 50 लाख या 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में होती है आरबीसी की संख्या। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी ये फाइट करता है जर्म से जो हमारी बॉडी में इंटर करते हैं। इनका शेप कैसा होता है, इनका शेप जो है वो इररेगुलर होता है। आरबीसी का शेप जो होता है वो बाईकॉनकेव होता है, इनका शेप इररेगुलर होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, इनका लाइफ स्पान 4 दिन का होता है, 4 दिन का होता है। जब डब्ल्यूबीसी की संख्या शरीर में बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, डब्ल्यूबीसी की संख्या शरीर में बहुत अधिक होने पर क्या हो जाता है, ल्यूकीमिया, या हम कह सकते हैं ब्लड कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है।
दोस्तों प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स जो होता है ये बाइकॉन्वेक्स होता है। बाइकॉन्वेक्स होता है ये हमारे शरीर को क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। शक्ति प्रदान करता है। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। अब्सेंट होता है। इसका लाइफ स्पान कितना होता है? 7 दिन का होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 लाख होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड में। जो हमारे शरीर में ब्लड का थक्का बनता है, प्लेटलेट्स क्या करती है? प्लेटलेट्स थक्का बनाने में मदद करती है। दोस्तों अभी हमने आर्टरी के बारे में बताया था। आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से कहाँ पे? सारे पार्ट ऑफ द बॉडी को। आर्टरी कैसी होती है? थिक होती है और इलास्टिक वॉल होता है इनका। ल्यूमेन जो होता है वो छोटा होता है। कौन सी आर्टरी केवल अशुद्ध ब्लड कैरी करती है? पल्मोनरी आर्टरी। इसको याद रखिएगा दोस्तों। वेन क्या कैरी करता है? वेन कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक इनटू द हार्ट। एक्सेप्ट कौन सा वेन है जो शुद्ध ब्लड कैरी करता है दोस्तों? तो वो पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन है ये शुद्ध ब्लड कैरी करता है। दोस्तों वेन क्या होता है? वेन थिन वॉल्ड होता है। इसमें वॉल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से अलाउ करता है ब्लड फ्लो किधर हो? केवल हार्ट के डायरेक्शन में हो। दोस्तों पल्स के बारे में जान लेते हैं। अब पल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट, बीट पर मिनट। पर मिनट तो ये कितना होता है पल्स? ये इंपॉर्टेंट है 72 to 80 बीट पर मिनट होता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर कितना होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्लड प्रेशर 120 से 80 mmHg होता है। 80 mmHg होता है। 120 क्या होता है? 120 दोस्तों सिस्टोलिक, और ये 80 क्या है? 80 डायस्टोलिक। डायस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर है। इसको मीजर किससे करते हैं? इसको मीजर करते हैं इस फिग मैनोमीटर से बीपी को मेजर करते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन एनिमल में कैसे होता है। चूंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बेस्ट बेस सब्सटेंस जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव करना है बॉडी से। इनको क्या करना है? इनको रिमूव करना है बॉडी से। तो इसका फिल्टरेशन किसके द्वारा होता है? जो बेस्ट ब्लड है इनका फिल्टरेशन हम करते हैं। किससे फिल्टरेशन इसका होता है? इसका फिल्टरेशन होता है किडनी के द्वारा। किडनी के द्वारा जब ये ब्लड जो होता है हमारी किडनी में पहुंचता है तो इसमें क्या होते हैं? यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस दोनों होते हैं। हार्मफुल सब्सटेंस दोनों होते हैं। तो दोस्तों ये जो यूजफुल सब्सटेंस है इसको क्या कर लिया जाता है? इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा दोबारा। और जो बेस्ट होता है, बेस्ट होता है इसको इसको क्या करते हैं? वाटर के रूप में एज ए यूरिन जो है, एज ए यूरिन रिमूव कर देते हैं। तो ये जो किडनी है हमारे इसमें यूरिन बन गया। अब ये यूरेटर के थ्रू क्या होता है? यूरिन जो है यूरेटर के थ्रू कहाँ कलेक्ट होता है? कलेक्ट होता है यूरिन किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू वो जो है यूरिथ्रा में आता है। इसके बाद यूरिथ्रल ओपनिंग के थ्रू ये जो है बाहर निकल जाता है यूरिन। तो जो हमारी यूरिन होती है दोस्तों हम कितना लीटर यूरिन 24 घंटे में करते हैं? 24 आवर में जो यूरिन होती है 1 से 1.8 लीटर इतना यूरिन हमको 24 घंटे में होती है। अब इस यूरिन में क्या होता है दोस्तों? इस यूरिन में 95% वाटर होता है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कितने परसेंट यूरिया पाया जाता है? तो इसमें 2.5% यूरिया पाया जाता है एंड 2.5% अदर वेस्ट होते हैं। अदर वेस्ट होते हैं दोस्तों। ये जो है ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो एक्वेटिक एनिमल फिश है वो क्या एक्सक्रीट करते हैं? वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। जो बर्ड होता है, लिजार्ड होता है, स्नेक होता है, वो क्या एक्सक्रीट करता है? वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। ह्यूमन ह्यूमन क्या एक्सक्रीट करता है? ह्यूमन यूरिया एक्सक्रीट करता है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कैसे होता है।
दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स को किसके द्वारा, रूट के द्वारा। रूट में क्या होता है दोस्तों, रूट के पास रूट हेयर होता है। ये रूट हेयर क्या करती है, इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया रूट का, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर एंड मिनरल जो डिजॉल्व है वाटर में। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये एक रूट हेयर है। रूट हेयर क्या करती है, ये इंक्रीज करती है क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका, रूट का, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर का। एब्जॉर्प्शन के लिए किसके, एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर का, वाटर का और मिनरल्स जो उस वाटर में डिजॉल्व है। जाइलम का दोस्तों क्या काम होता है, जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसका, वाटर का, वाटर का और न्यूट्रिएंट का। न्यूट्रिएंट का कहाँ से, फ्रॉम रूट, रूट से कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, टू लीव्स तक, लीव्स तक थ्रू स्टेम एंड ब्रांच, स्टेम एंड ब्रांच। तो दोस्तों याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है प्लांट में, तो जाइलम के द्वारा होता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स का जो रूट में प्रेजेंट है, लीफ तक, थ्रू थ्रू द स्टेम, स्टेम एंड ब्रांच। फ्लोएम क्या काम करता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम जो फूड, फूड प्रिपेयर्ड होता है किसमें, फूड प्रिपेयर्ड होता है लीव्स में, उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, ऑल पार्ट ऑफ प्लांट में, ऑफ प्लांट में। तो फ्लोएम क्या करता है दोस्तों, फूड का ट्रांसफर करता है जो प्रिपेयर्ड किया है लीव्स में, उनको ट्रांसपोर्ट करता है ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट में। तो दोस्तों आज हमने सॉइल के बारे में पढ़ा, सॉइल के टाइप पढ़ा, सॉइल प्रोफाइल पढ़ा हमने, सॉइल एरोजन पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा कि जो है ब्लड क्या है, ब्लड एक संयोजी ऊतक है, इसके बारे में जाना हमने, रेस्पायरेशन के बारे में जाना हमने, ये भी जाना अदर एनिमल कैसे ब्रीद करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने एक्सक्रीशन के बारे में जाना, इसके बाद हमने पढ़ा लास्ट में ट्रांसपोर्ट प्लांट में कैसे होता है। दोस्तों इस पार्ट में अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। धन्यवाद।